सबको जय यीशु की। हर साल संपूर्ण कलीसिया 14 दिसंबर को संत जॉन ऑफ द क्रॉस का पर्व मनाती है। वे कलीसिया के एक महान संत हैं। उनका जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। वे एक रईस परिवार से संबंध रखते थे। उनके जन्म से पहले ही उनके पिता फ्रांसिस्को गोंजालो दी येप्स की मृत्यु हो गई थी। उनकी माता कैटेलिना एल्वर्स ने अकेले ही उनका पालन पोषण किया। उन्होंने अपनी पढ़ाई पाउपर्स स्कूल से हासिल की। उसके बाद उन्होंने 7 साल एक अस्पताल में नौकरी की। जब वे 21 वर्ष के हुए तब वे कार्मलाइट संस्था में दाखिल हुए। वहां उन्होंने सोला मानकों में 4 साल दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। इसके तुरंत बाद वे संत टेरेसा ऑफ आविला से मिले। तब संत टेरेसा ने संत जॉन से कहा कि जिस तरह वे महिलाओं की कार्मलाइट संस्था के लिए काम कर रही हैं, उसी तरह वे भी पुरुषों की संस्था के लिए कार्य करें। तब से संत जॉन ने गरीबी, तपस्या, उत्साह की प्रतिज्ञा ली। प्रभु के सेवा कार्यों में संत जॉन को अपमान का सामना भी करना पड़ा, परंतु प्रभु ने उन्हें बचाए रखा। उन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी, जिनमें मिस्टिक ऑफ मिस्टिक्स, असेंट ऑफ माउंट कार्मल, द डार्क नाइट ऑफ द सोल, द स्पिरिचुअल कैंटिकल, द लिविंग फ्लेम ऑफ लव, द लिविंग फ्लेम ऑफ लव काफी प्रसिद्ध रही। वे कार्मलाइट संस्था के प्रोविंशियल सुपीरियर भी नियुक्त किए गए थे। उसी दौरान संत जॉन कार्मलाइट संस्था में नवीनीकरण भी लेकर आए। वे दक्षिणी स्पेन गए। उसके बाद उन्हें बुखार हो गया था और उनकी टांग पर काफी सूजन आ गई थी। वहीं से उन्हें उपचार के लिए वापस भेजा गया और उसी दौरान 14 दिसंबर 1591 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। और पूरे 1 साल बाद 1592 ईस्वी में भी उनके पार्थिव शरीर में कोई बदलाव नहीं आया था। 1675 ईस्वी में संत पिता क्लेमेंट 10वें ने उन्हें धन्य घोषित किया था और 1726 ईस्वी में संत पिता बेनेडिक्ट 13वें ने उन्हें डॉक्टर ऑफ द चर्च घोषित किया और 24 नवंबर 1926 ईस्वी में संत पिता पाइस 11वें ने उन्हें संत घोषित किया। आइए आज हम भी संत जॉन ऑफ द क्रॉस के माध्यम से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी उनके जैसा भक्ति भाव और सहनशीलता वाला जीवन व्यतीत करने में हमारी मदद करें।